हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कलर पेंसिल से मैं इस फिगर को कैसे ड्रॉ करूँगा। तो बेसिकली हम कलर पेंसिल से पेंट करते हैं, लेकिन मैंने कलर पेंसिल से ड्रॉ करूँगा ये क्यों कहा, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो डार्क है यानी कि जो शेडो है, इनको मैं अलग कर रहा हूँ। तो बोल रहा था कि जो कलर पेंसिल्स है इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, तो ये क्यों कहा। तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेफाइट पेंसिल्स है तो उससे हम पहले तो देखते हैं जो प्रोपोर्शंस वगैरह और जो वैल्यू है यानी कि डार्क और लाइट, जो जेस्चर है, इसको हम पहले देखते देन उसको ड्रॉ करते ग्रेफाइट पेंसिल से। तो वही चीज़ मैं कलर पेंसिल से कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ब्रश से भी कर सकते हो, कलर पेंसिल्स हो गया, चारकोल पेंसिल से भी आप कर सकते हो, तो मीडियम जो भी हो, लेकिन काम तो आप वही कर रहे हो ना। तो यहाँ पर मैं कलर पेंसिल से ही सेम चीज़ कर रहा हूँ, जो वैल्यू है उसको मैं देख रहा हूँ, यानी कि जो लाइट एंड डार्क है इसको मैं अलग कर रहा हूँ। तो ये जो रेफरेंस फ़ोटो है इसको देखते हुए मैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रहा है कि जो वैल्यू है उसको सही रखना है, इनकी जो फील्स है यानी कि फेस की जो एक्सप्रेशन है इसको मैं थोड़ा बहुत सही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए आप काम कर रहे हो उसको एज इट इज़ बनाने की कोशिश मत करो, लेकिन जो प्रोपोर्शंस है और जो वैल्यू है इसको पहले देखो, देन एक्सप्रेशन वो बात की चीज़ है। तो जहाँ जहाँ शेडो है उसको मैं देखते हुए जो इनकी इस ओल्ड मैन की जो रिंकल्स है इसको मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ ऊपर ऊपर से, यानी कि जो फील है ये आ रहा कि नहीं इसको मैं देख रहा हूँ। तो फील आपके ड्राइंग को देख के यदि फील ही ना आए तो वो कैसा ड्राइंग होगा। तो फील तो बात की चीज़ है, पहले आपको प्रोपोर्शन पे और जो वैल्यू है उसको ध्यान में रख के काम करना होगा। तो यहाँ पर मैं इनकी जो कपड़ा है इसको मैं कर रहा हूँ, तो एक अलग तरीके से मैं पूरा जो कपड़ा इसको मैं इस कलर पेंसिल से ड्रॉ नहीं करूँगा। तो क्या कर रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ जो लाइन है, तो पिछले वीडियो पे देखे होंगे कि मैं सिर्फ इसकी जो लेआउट है यानी कि जो मैंने ड्रॉ किया है उसको मैं जेस्चर वाइज किया था। तो आप ये भी कर सकते हो, ग्रेफाइट पेंसिल से आप ड्रॉ करके देन कलर पेंसिल से पेंट कहो या ड्रॉ कहो, ये कर सकते हो। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि कलर पेंसिल से भी आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को भी कर रहा हूँ, तो डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो ये आदमी हैं इसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड या थोड़ा बहुत फेशियल फीचर्स की एक्सप्रेशन, तो इसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकी जो इस पोर्शन में जो काम कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा बहुत करूँगा, और जो कपड़े की यानी कि जो टी शर्ट है यहाँ पर इसकी जो कॉलर है उसको मैं थोड़ा बहुत किया है, और इस हिस्से पर मैं डार्क ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत नीचे की हिस्से को करूँगा। तो अब बहुत जगहों पर देखे होंगे कि जो आर्टिस्ट है वो कुछ कुछ जगहों को छोड़ देते हैं, कुछ कुछ जगहों पे काम करते हैं, तो ये वो लोग क्यों करते हैं, तो वो व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं जिन जिन चीज़ों को यानी कि जो जो जगहों को, तो उस पे वो लोग फोकस करते हैं। तो मैं भी वही चीज़ को देखता हूँ और जो समझता हूँ उसको मैं मेरे आर्टवर्क पे या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सिर्फ आप मेरा ये वीडियो देखो ही मत, इसके साथ साथ में आपको काम करना पड़ेगा।
तो सिर्फ देखने से कुछ होने वाला है नहीं। तो इसके साथ आपको जो सारे चीज़ है ड्राइंग में आते हैं, वैल्यू स्टडी, प्रोपोर्शन जजमेंट, जो फंडामेंटल्स के लेवल पे चीज़ें हैं उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है और की जो आर्ट वर्क है उसको इम्प्रूव करना है। तो इसके साथ साथ आपको ड्राइंग की जो बुक्स है उसको पढ़ना है, जो आर्टिस्ट है उनकी जो स्किल्स है उन पे काम करना है। तो मैं भी वही सारे चीज़ करता हूँ। तो जो मास्टर वर्क्स होते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बहुत सारे जो पॉडकास्ट होते हैं ऑनलाइन पे आर्टिस्ट की, तो वो भी मैं सुनता हूँ, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। तो उसको ध्यान में सुनो और उससे सीखो, देन उसको ड्राइंग पे इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पर मैं हैंड पे थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, देन इनकी जो फिंगर्स है तो फिंगर्स पे मैं धीरे धीरे करके जो डार्क लाइट है इसको मैं अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं पूरा जो टी शर्ट है उसको मैं कलर नहीं किया है। तो आप ऐसी नई नई चीज़ ट्राई कर सकते हो, तो मैं भी ये करता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो जो आप कर रहे हो उसको कुछ दिन बाद बाद देखो कि कहाँ गलतियाँ हो रहा है, और जो प्रेजेंट वर्क है उसमें आप क्या क्या नए चीज़ इम्प्लीमेंट किए हो, तो आपको जो इम्प्रूवमेंट है उसको आप देख पाओगे। तो सिर्फ आपको काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो ये नहीं करना है, बीच बीच में आपको सोचना भी है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सिर्फ करते ही जा रहे हो, तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो नीचे की हिस्सा है यानी कि पैर की तरफ जो चीज़ है वो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, और जो बाकी बैकग्राउंड से बैकग्राउंड पे जो चीज़ है मैं उसको भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो मेरा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जा कर के देखना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लगभग मेरा ये वीडियो यानी कि जो ड्राइंग है ये ख़त्म हो चुका है। तो मेरा ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर चीज़ों से सीखते रहना और खुद की सोच को इम्प्रूव करते रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। और एक चीज़, हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना पड़ेगा जो आप भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।